नमस्कार दोस्तों मैं हूं एसवी शर्मा आप देख रहे हैं ग्रीन गार्डन चैनल ग्रीन गार्डन चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करेंगे मार्च मंथ में आप सेकंड फीडिंग रोज़ फ्लावर प्लांट को क्या देंगे रोज़ फ्लावर प्लांट के लिए आपको सेकंड फीडिंग मार्च के मंथ में क्या देना है उसके लिए आज मैं इस वीडियो को लेकर आए हैं इससे पहले मार्च मंथ का एक तारीख को भी मैंने इस प्लांट का अपडेट दिए थे और देखिए इसमें जो फ्लावर है फ्लावर की जो क्वांटिटी है आप लोगों के साथ थोड़ा सा शेयर करते हैं आप लोगों को भी अच्छा लगेगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सेवेंटीन 17, नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर एक ट्वेंटी फाइव देखिए पॉट में एक साथ पच्चीस फ्लावर ये पॉट में एक साथ पच्चीस फ्लावर है आप देख पा रहे हैं दूर से आपको दिखा रहा है ये कैसे संभव हो सकते हैं तो इसीलिए आपको मेरा चैनल के साथ जुड़ना चाहिए आपको पूरा पता चलेगा और ये एक 12 इंच का एक पॉट में लगा हुआ है सबसे पहले तो मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहूँगा रोज़ फ्लावर प्लांट के लिए आप अगर शौकीन हैं या गार्डनिंग में शौक़ रखते हैं तो आपको रोज़ फ्लावर प्लांट को डेली ध्यान से देखना पड़ेगा इसमें कोई पेस्ट का अटैक तो नहीं है फंगस का अटैक तो नहीं है या और कोई बीमारी तो नहीं लग रहा है इसके बारे में आप अगर अच्छा से देख लेंगे तो आपका प्लांट हेल्दी रहेगा और साथ में आपको जो न्यूट्रिशन है ये न्यूट्रिशन एक बैलेंस न्यूट्रिशन आपको प्रोवाइड कराना पड़ेगा तब जाके आपका रोज़ फ्लावर प्लांट बहुत ही हेल्दी होगा और साथ में बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करेगा देखिए इसमें भी थोड़ा सा ये देखिए एक प्रॉब्लम है यहाँ पर ये आप देख पा रहे हैं येल्लो हो गया तो इसको यहाँ से काट करना है यहाँ से काट करने के बाद फांजी साइड पेस्ट से लॉक कर देना है ताकि ये जो ब्रांच है ये ब्रांच सुरक्षित रहे और आगे चल के ये ब्रांच और बड़े होए और इसमें से और भी फ्लावरिंग आता रहे ऐसे करके आपको ध्यान रखना है साथ में और एक ब्रांच मैं देखा था वो ये देखिए ये जो ब्रांच है ये आगे नहीं बढ़ा है इट मीन्स इसके अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई बीमारी है जो ऊपर से समझ में नहीं आ रहा तो ये जो ब्रांच है ऐसा ब्रांच अपने को कभी नहीं रखना इसको मैं कट कर दूंगा मैं यहाँ से कट करूँगा इसका ये नीचे इसके नीचे से जो ब्रांच है ये ब्रांच तो अच्छा है ये देखिए काफ़ी सारा फ्लावर है इसमें देखिए देख पा रहे आप तो ये ब्रांच अच्छा है इसको यहाँ से मैं कट कर दूँगा चलिए मैं दिखाता हूँ आपके पास एक शार्प कटर होना चाहिए कटर अच्छे लीजिएगा और स्ट्रेल करके ले लीजिएगा उसके बाद आपको जो कट करना है ये देखिए ऐसे करके यहाँ पर ले जाके ऐसे करके कट कर देना है ये देखिए मैंने कट कर दिए है बिल्कुल शार्प कट हो गया ऐसे करके आपको कट कर देना है और साथ में इसको मैं कट करूँगा ये देखिए ऐसे करके एक बार में कट कर दिए देखिए सर्फ कट हो गए अब इसके ऊपर से थोड़ा सा फंजी का जो पेस्ट है उसको मैं लगा दूंगा ये देखिए ऐसे करके ये देखिए फंजी एक पेस्ट लग जाएंगे इसके ऊपर आगे चल के यहां से कभी भी फंगस का अटैक नहीं आएगा और ऊपर जो गए हैं ब्रांच वो ब्रांच हमेशा अच्छा रहेगा ये देखिए यहाँ पर भी मैं लगा दूंगा ऐसे करके आपको फंजी साइड का जो पेस्ट है पेस्ट लगा देना चाहिए आपके पास जो भी फंजी साइड है उसी को आपको लगाना है चलिए ये जो दोनों ब्रांच अपन ने काट कर दिए हैं आप क्या करेंगे इसमें फर्टिलाइजर देंगे एक ब्रांच और दिख गया ये देखिए ये डाईबैक है मैं थोड़ा सा डाईबैक के बारे में आप लोगों के साथ चर्चा कर लेते हैं ये देखिए इन केस आपकी प्लांट में भी अगर डाइबैक है तो आपको क्या करना है तो ये जो ब्रांच है ये ब्रांच को थोड़ा सा अच्छा से देखिए ये देखिए इसमें से जो भी ब्रांच निकले हैं कोई भी ब्रांच अच्छे नहीं है तो ये ब्रांच को हटा देना है अपने को ये ब्रांच को भी नहीं रखना ऐसे करके आपको थोड़ा सा रोज फ्लावर प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा से देखना चाहिए ये एह देखिए यहाँ से मैं कट कर दूंगा ये देखिए इसमें से जो भी निकले थे एक भी शूट्स सही नहीं थे पूरे ब्लाइंड शूट्स थे ये देखिए ये कट कर दिए आगे चल के क्या होगा इसके साथ जो ब्रांचेस है ब्रांचेस और देख लेते हैं ये ब्रांच भी थोड़ा सा बीमार ग्रस्त है ये ब्रांच भी अपने को नहीं रखना है और काटते समय आपको बिल्कुल घबराना बिल्कुल नहीं है इसमें कोई भी नोट्स नहीं है यहाँ से कोई भी ब्रांच नहीं आने वाले हैं इसीलिए ये ब्रांच को मैं यहाँ से कट कर दूँगा ये देखिए आप यहाँ पर फंज पेस्ट लगा देंगे और जो प्लांट है ओवरऑल सभी जगह पर अच्छा है कहीं कोई दिक्कत नहीं है चलिए आप फेंज पेस्ट लगा देते हैं आपको हमेशा ध्यान रखना है पूरा प्लांट बीमार ग्रस्त होने से पहले ही उसको सेव कर लीजिएगा और अगर पूरे में बीमारी फैल जाए उसके बाद आप अगर सेव करना चाहेंगे तो आपका प्लांट सेव नहीं होगा इस बात को ध्यान रखना है ऐसे आप थोड़ी थोड़ी सी आप अगर देखभाल करते रहेंगे आपकी प्लांट का तो आपका प्लांट हमेशा हेल्दी रहेगा और बूसी भी रहेंगे साथ में ह्यूज क्वांटिटी में फ्लावरिंग भी करेंगे चलिए आज जो फर्टिलाइजर देना है वो फर्टिलाइजर दे देते हैं तो दोस्तों फर्टिलाइजर में जो लेना है अपने को सबसे पहले आपको बोन लेना है ये देखिए मैंने बोन मिल लिए हैं ये चम्मच से एक चम्मच ओनली बोन मिल लिए हैं ये देखिए और ये दो चम्मच ये चम्मच से दो चम्मच नीम खली है नीम खली के साथ बोन मिल मिला देंगे एक चम्मच बोन मिल मिलाएंगे साथ में जो सीविड फर्टिलाइजर है इनकेस अगर सीविड फर्टिलाइजर ग्रानुल्स ले हैं तो आप ले लीजिए क्योंकि गर्मी के टाइम में आपको सीविट फर्टिलाइजर देना है एक चम्मच एक चम्मच सीविड फर्टिलाइजर और ये देखिए मेरे पास काउडंग कंपोस्ट है आपके पास बारहवीं कंपोस्ट है लिप मोल्ड फर्टिलाइजर है ले सकते हैं ऑर्गेनिक मेन्योर आपने को लेना है दो चम्मच ये देखिए काउडंग कंपोस्ट मेरे पास बहुत ही पुराना बहुत ही अच्छा काउडंग कंपोस्ट है दो से तीन चम्मच आप ले सकते हैं तो मैं तीन चम्मच ले लेता हूँ देखिए ये हो गया और ये आपको मिक्स कर देना है बहुत ही अच्छा से आप ध्यान रखिएगा अपने को केमिकल फर्टिलाइजर बहुत ही कम मात्रा में देना है ये पहले ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जो है इसको देंगे अभी आपको मस्टर्ड केक जो फर्टिलाइजर है या लिक्विड हो या पाउडर हो उसको अभी आपको अप्लाई नहीं करना आप सिर्फ काउडंग से बना हुआ जो लिक्विड फर्टिलाइजर है उसको आप दे सकते हैं उसके लिए मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा बहुत जल्द और मास्टर्ड केक लिक्विड फर्टिलाइज़र का भी एक वीडियो लेकर आएंगे वो भी आप दे सकते हैं लेकिन कितना दे सकते हैं उसका क्वांटिटी और कैसे बनाना है वो मैं बताऊंगा आप लोगों को उसमें शेयर करेंगे देखिए मिक्स हो चुके हैं आप ये जो फर्टिलाइज़र है फर्टिलाइज़र दे दिए ऐसे करके आपको देना है प्लांट की चारियों दे देना है और देने से पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है जे आपका प्लांट का जो पॉट का शॉयल है पॉट का शॉयल थोड़ा सा मॉइस्ट रहे मेरा पॉट का शॉयल भी मॉइस्ट है देखिए सॉगी नहीं रहना चाहिए मॉइस्ट होना चाहिए ऐसे करके आपको पूरे में दे देना है ये पूरे में मैंने दे दिए हैं और अभी समर सीजन होने के कारण आपको गुराई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ज़्यादा गुराई करेंगे तो आपका जो प्लांट का ऊपर का जो रूट है रूट कट सकते हैं तो डैमेज हो सकते हैं आपका प्लांट को नुकसान पहुंच सकते हैं ये फर्टिलाइज़र दे दिए हैं आप इसके ऊपर से थोड़ा सा केमिकल फर्टिलाइज़र देंगे चलिए सबसे पहले जो लेना है सबसे पहले एक लीटर बॉटल लेना है ये देखिए एक लीटर बॉटल है एक लीटर बॉटल में मैंने ये देखिए पावर प्लांट ग्रो यानी कि पी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर प्लांट का एक टॉनिक इसमें से दो एम लिए हैं सिर्फ और एक लीटर वाटर में दो एम मिक्स कर दिए और देखिए वाटर का जो कलर है कलर भी चेंज हो चुके हैं अपने को इतना ही लेना है और इसके साथ थोड़ा सा जो फर्टिलाइज़र जो केमिकल फर्टिलाइज़र है वो अपने को लेना है अभी अपने को केमिकल फर्टिलाइज़र में इक्वल रेशियो वाला जो एनपीके है वो यूज़ करना है एक लीटर पानी में अपने को लेना है आधा चम्मच से भी कम लगभग दो ग्राम क्वांटिटी में ये देखिए ये दो ग्राम क्वांटिटी में मैंने ले लिए इतना सा आपने को देना है एनपीके और साथ में जो देना है आधा चम्मच क्वांटिटी में आपको लेना है एप्सम शर्ट ये देखिए ये एप्सम शर्ल्ट है देख पा रहे मैग्नीशियम सल्फेट ये दोनों फर्टिलाइजर मिलाने के बाद अपने को अच्छा से डाइल्यूट कर लेना है वाटर में ये देखिए आपके पास प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो भी होगा आप ले सकते हैं मैंने इसको लोकल मार्केट से खरीदा इसीलिए मैं बता नहीं सकता आपको कहाँ मिलेगा तो आप कोई भी पी जी आर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो कि ऑर्गेनिक है ऐसा आप ले सकते हैं और इसमें से ये जो मिक्स कर लिए है अब एक चीज़ आपको ध्यान रखना है इसमें से सिर्फ तीन सौ एम एल अपने को इस प्लांट को देना है दोस्तों इससे ज़्यादा नहीं देना ऐसे करके ये देखिए दो सौ एम एल का एक काफ है मेरे पास ये दो सौ एम एल का काफ है दो सौ एम एल हो गया और आधा काप ये देखिए और आधा कप तीन सौ एम देना है इससे ज़्यादा नहीं देना है बाकी जितनी प्लांट है सबको आपको तीन तीन सौ एम करके दे देना है बाकी ये देखिए बच गए मैं और दूसरे प्लांटों को प्रोवाइड कराएंगे ऐसे करके मार्च मंथ का जो सेकेंड फीडिंग है आपको सेकेंड फीडिंग देना है आपको ध्यान रखना है और फंजिसाइड पेस्टिसाइड आपको पंद्रह दिन अंतर से एक बार स्प्रे करते रहना है उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया है और अगर पसंद आते तो लाइक कर देना शेयर कर देना और सब्सक्राइब जरूर करना साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो लेकर आऊँ आप तक तुरंत पहुँच सके और इन केस आपका प्लांट का लीप थोड़ा सा मेरे प्लांट में तो नहीं देख रहा है इन केस अगर पेल येल्लो कलर होने लगे जैसे ये न्यू लीफ है मेरा ऐसा कलर अगर होने लगे आपका प्लांट का लगभग जैसे न्यू लिप छोड़ के और भी प्लांट और भी लीप अगर ऐसे कलर होने लगे तो उस टाइम आपको थोड़ा सा माइक्रो न्यूट्रेंट मल्टीपल माइक्रो न्यूट्रेंट एक लीटर वाटर में डेढ़ ग्राम 1.5 ग्राम डिजर्व करके शाम के टाइम स्प्रे कर देना तो आपका प्लांट अच्छे रहेंगे तो आज यही तक है फिर नेक्स्ट मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग